तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, आपका फिर से एक न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। फिलहाल में बज रहे 11:30 और आज हम जाने वाले हैं कासगंज। तो यहीं से हाथरस सिटी से हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। लगभग अभी ट्रेन आएगी वो 12:42 पर आएगी और यहाँ पर काफ़ी टाइम हो चुका है हमको। यहाँ पर लगभग आधा एक घंटा हो चुका है हमें आने में और यहाँ की अभी हम आपको लोकेशन दिखाते हैं कुछ कैसा दिखता है और यहाँ की टिकट में आपको काउंटर दिखाता हूँ कुछ कैसा। तो गाइस, आप लोग यहाँ की लोकेशन देख सकते हैं और ये हाथरस सिटी रेलवे स्टेशन और उधर की साइड आप लोग देख सकते हैं ये पार्किंग स्थल है। यहाँ पर आप बाइक पार्क कर सकते हैं और हाथरस सिटी कुछ जूम करके देख सकते हैं कुछ ऐसी लगती है। और यहाँ से देख सकते हैं उधर की साइड, यहाँ पर आप लोग कार पार्क कर सकते हैं। और अगर आप कार से यहाँ पर आते हैं तो आप कार के यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। उधर की साइड देख सकते हैं यहाँ पर अभी टंकी बन रही है, पानी की टंकी लगभग। और उधर की साइड यहाँ पर देख सकते हैं यात्री काफ़ी यात्रा करने यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर देखो उनके लिए धन्यवाद लिखा हुआ है, थैंक यू। और उधर की साइड देख सकते हैं रोड चल रहा है और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, देख सकते हैं आप पीछे की लोकेशंस। अभी हम चलते हैं। तो गाइस, अभी हम चलते हैं हाथरस सिटी के रेलवे स्टेशन की तरफ और यहाँ देख सकते हैं कुछ पब्लिक एक्शन काफ़ी कम है और अभी टाइम कम हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से टिकट लेनी है हमको सबसे पहले और लाइन भी लग रखी है, यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर देख सकते हैं खड़े हुए हैं टिकट लेने के लिए। और हमको टिकट चाहिए, सबसे पहले हम टिकट लेते हैं कासर चढ़ने के लिए। तो हमारी टिकट आएगी वो आएगी 40 रुपये की। तो देख सकते हैं यहाँ का पब्लिक रिएक्शन। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं पुल के ऊपर और यहाँ का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, कुछ ऐसा फील कर पाएंगे। आप पीछे की साइड देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है, तो मैं आपको क्या रोटेट चेंज करके दिखाता हूँ कैमरे की। तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखेगा और पुल के यहाँ पर बंदर काफ़ी है और देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा कुछ यहाँ। तो गाइस, आप लोग यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, तो वो सामने की तरफ है वो है स्कूल और ये स्कूल काफ़ी फेमस है। तो यहाँ के पीछे देख सकते हैं कुछ ऐसा ग्राउंड है काफ़ी बड़ा और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पर। अभी जो मौसम हो रहा है काफ़ी कोहरा सा हो रहा है और देख सकते हैं यहाँ पर एक जिम भी है इधर की साइड, सहजीदा जिम। ये जिम है, काफ़ी छोटी जिम है पर यहाँ पर, और आगे की तरफ आप काफ़ी बड़ी जिम मिल जाएगी यहाँ पर। उधर की साइड देख सकते हैं क्योंकि बेस्ट टाइम में है और काफ़ी यहाँ से देख सकते हैं पुल के पास यहाँ पर बंदर ज़्यादातर घूम रहे हैं, यहाँ पर बंदर काफ़ी है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ से अभी हमारी थोड़ी देर में जर्नी स्टार्ट होने वाली है, अभी अभी हम चलते हैं नीचे की तरफ और वहाँ का नज़ारा हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ कैसा होता है। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, ट्रेन थोड़ी देर में आने वाली है, फिर हम वहाँ की लोकेशंस दिखाएंगे। तो गाइस, हमारी ट्रेन आ चुकी है और हमारी ट्रेन चल चुकी है और ये ट्रेन है जो ये इस ट्रेन में हम जाने वाले हैं। ये रन्स डेली करती है, ये डेली जाती है कासगंज की तरफ और यहाँ से आप जा सकते हैं। और इस ट्रेन का टाइम टेबल है वो लगभग 12:40 का है और इस ट्रेन जो हमारी ट्रेन आई है वो लगभग 1:30 बजे करीब आई है और हमारी जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से। तो अभी हमारा नेक्स्ट सिकंदराव का। तो गाइस, अभी हमारी ट्रेन जो ये स्टॉप लेने वाली है अक्सौली रेलवे स्टेशन पर और जो हमारी ट्रेन है वो एक पैसेंजर ट्रेन है, तो ये लगभग ये सभी स्टेशनों पर रुकती है। तो अभी देखो हमारा अक्सौली रेलवे स्टेशन आ चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी स्लो ट्रेन चल रही है अभी और देख सकते हैं यहाँ पर पब्लिक रिएक्शन थोड़ा स्टेशन के हिसाब से थोड़ा कम होगा, ये काफ़ी छोटा स्टेशन है और यहाँ का स्टेशन कुछ ऐसा ही है देख सकते हैं आप लोग। अभी तो दो लोग ही दिख रहे हैं इधर की साइड से और यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर ही देख सकते हैं काफ़ी पब्लिक रिएक्शन है, यहाँ पर तो थोड़ा ही कम है। और जो कासगंज पहुँचेंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर पब्लिक रिएक्शन काफ़ी होगा। देख सकते हैं हमारी ट्रेन यहाँ पर स्टॉप कर चुकी है और देख सकते हैं यात्री काफ़ी उतरेंगे और काफ़ी चढ़ेंगे, जितने यात्री उतरते हैं उतने ही चढ़ जाते हैं।
तो ट्रेन में काफ़ी पब्लिक है और देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा जूम करता हूँ मैं आपके लिए। और अभी तो गाइस हमारी ट्रेन है जो नहर के पास से गुजरने वाली है, देखो नहर आ चुकी है और लगभग ये दो नहर हैं और इन नहर से हमें पता चल जाता है कि काश हमारा कासगंज आने वाला है। यहाँ से कासगंज अभी थोड़ा दूर है, यहाँ से अभी 3-4 किलोमीटर और है हमारा कासगंज। और देख सकते हैं कासगंज का नज़ारा कुछ ऐसा है, जब हमारी नहर आती है तो यहाँ पर कुछ खेत पड़ते हैं काफ़ी नीचे और यहाँ तो गाइस अभी हमारी ट्रेन कासगंज की तरफ पहुंचने वाली है। अभी हमारी ट्रेन जो स्लो चल रही है काफ़ी, देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। और जो सामने भैया देख रहे हैं ये भी ब्लॉगर हैं और ये भी वीडियो बना रहे हैं, इनका भी एक चैनल है, इनका नाम, इनके चैनल का नाम है 3F's, ऐसे ही इनका चैनल का नाम है। मैं अभी पूछने वाला हूँ इनसे। तो अभी हमारी ट्रेन काफ़ी स्लो चल रही है, तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म लगभग 3 प्लेटफॉर्म है और हमारी पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पर जा रही है ये ट्रेन। मेरे हिसाब से ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जा रही है, देखते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ट्रेन खड़ी हुई है उधर की साइड, वो भी ट्रेन अभी बंद है शायद। और यहाँ पर देख सकते हैं इधर आप आगे की तरफ जाना चाहते हैं तो ट्रेन जाएगी जी यहाँ से किधर की साइड, फर्रुखाबाद की तरफ जाएगी। और यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से अगर आप फर्रुखाबाद जानते हैं तो फर्रुखाबाद के लिए भी ट्रेन अवेलेबल है यहाँ से। और ये ट्रेन हमारी पहुंची है लगभग 4 बजे के करीब और देख सकते हैं अभी हमारी ट्रेन काफ़ी स्लो चल रही है और हमारी ट्रेन अभी स्टेशन प्लेटफॉर्म पे पहुंचने वाली है। और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है और देख सकते हैं जो, और ये हमारी ट्रेन है, ये डीजल वाली ट्रेन है ना, कोई बिजली वाली, और डीजल वाली ट्रेन है। इस लाइन पर काफ़ी चलती है मथुरा की तरफ और फर्रुखाबाद के लिए जाने के लिए, देख सकते हैं। और ये हमारा स्टेशन आ चुका है इस तरह का, कासगंज जंक्शन, देख सकते हैं काफ़ी जूम करके मैंने आपको दिखाया। देख सकते हैं यहाँ पर पब्लिक रिएक्शन थोड़ा कम है और अभी हम यहाँ पर उतरते हैं, फिर यहाँ से अभी हम चलते हैं घर, दिखाते हैं पहले यहाँ का नज़ारा कुछ कैसा होगा, ठीक है। तो गाइस अभी हम ट्रेन से उतर चुके हैं तो यहाँ का पब्लिक रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं। और ट्रेन से काफ़ी भीड़ उतरी और अभी हमें जाना है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ जाने का रास्ता ये पुल है, यहाँ से हमें उधर की साइड जाना होगा। और देख सकते हैं अभी हम पुल के ऊपर चलते हैं, वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आप। तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं कासगंज और कासगंज से अभी हम जा रहे हैं बाहर की तरफ और वहाँ से अभी हमें जाना है अपने तब घर। और अभी देखते हैं यहाँ के प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़े बड़े, देखते हैं आगे तरफ यहाँ का नज़ारा कुछ यहाँ से दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ऊपर से कुछ ऐसे दिख सकता है हमारा स्टेशन और यहाँ पर प्लेटफॉर्म लगभग 4-5 से हैं। और ये देख सकते हैं जूम करके कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है और देख सकते हैं काफ़ी इधर की साइड आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का। तो ये है बाहर जाने का रास्ता, कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ देखो ये टिकट काउंटर और उधर की साइड भी पीछे वहाँ से भी आपको टिकट मिल सकती है। यहाँ का मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, बाहर से आप लोग देख सकते हैं कासगंज जंक्शन, कासगंज जंक्शन कुछ ऐसा दिखता है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पर टैक्सी और यहाँ पर बैटरी रिक्शा आपको काफ़ी ज़्यादा मिल सकते हैं यहाँ पर जाने के लिए। और उधर की साइड देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको टिकट मिल सकती है कहीं पर फर्रुखाबाद या मथुरा की साइड जाने के लिए। और टैक्सी और इस ट्रेन में हम जाने वाले हैं, देख सकते हैं। और यहीं से हमारे कासगंज को अलविदा कहते हैं और हम चलते हैं घर।